द्रव्य दान की परंपरा है। बोलो ये परंपराएं हैं कि नहीं। स्वर्ण दान भी किया जाता है, द्रव्य दान भी किया जाता है, भूमि दान भी किया जाता है, कन्या दान भी किया जाता है। लेकिन प्यारे आज हम एक दान मांग रहे हैं तुमसे, एक दान मांग रहे हैं। ये मेरे हृदय की आवाज है कि प्यारे तुम्हारी इस उदारता को देख करके कि तुमने विराट ब्रह्म महायज्ञ किया है रघुवंशियों, इसी तरह से इस स्थल पर एक विराट गौशाला की स्थापना हो जानी चाहिए। यह भी यज्ञ के साथ तुम्हें संकल्प लेना है, एक विराट गौशाला की स्थापना हो जानी चाहिए। मैं कहता हूं इस क्षेत्र की गौओं की समस्या का समाधान हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र की गौओं की समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं सत्य कह रहा हूं रघुवंशियों, जहां अयोध्या में रघुवंश में करोड़ों गौओं का प्रतिपाल होता था, आज मुझे विश्वास है कि रघुवंशी समाज के द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है इस विराट ब्रह्म महायज्ञ में, और ये अपनी भव्यता दिव्यता के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, और रघुवंशी समाज को विश्व में यज्ञ के माध्यम से प्रसिद्धि मिल रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस रघुवंशी समाज के द्वारा इस विश्व प्रसिद्ध यज्ञ के बाद विश्व प्रसिद्ध गौशाला भी खुल जानी चाहिए, जो विश्व प्रसिद्ध गौशाला के नाम से प्रसिद्धि हो, प्राप्त हो। ये मैं आवाहन कर रहा हूं रघुवंशियों, हमारी बात को व्यर्थ मत जाने देना, हमारी बात को व्यर्थ मत जाने देना। और यदि तुम मेरा सहयोग लेना चाहते हो गौशाला के लिए, तो मैं सत्य कहता हूं यज्ञ भगवान को साक्षी करके कि गौशाला के निमित्त जो भी तुम मदद मुझसे लेना चाहोगे, हम हर संभव तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। जिस समय तुम मेरी मदद की अपेक्षा रखोगे, मैं उसी समय तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा, उसी समय तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा प्यारे। लेकिन बस मेरे इस मंथन चिंतन, मेरे इस संदेश को व्यर्थ मत जाने देना, मेरी इस आवाज को व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि रघुवंशियों ने गौ ब्राह्मण की रक्षा की, रघुवंशियों ने साधु संतों की रक्षा की है, रघुवंशियों ने सनातन धर्म की रक्षा की है, रघुवंशियों ने सत्य की रक्षा की है। मैं सत्य कहता हूं महाराज दिलीप प्राण देने को तैयार हैं, लेकिन गौ माता के प्राण अगर कोई सिंह लेता है तो प्राण जाने नहीं देते हैं, प्राण देने को तैयार हैं। बोलो गौ माता की रक्षा के लिए प्राण निछावर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये रघुवंश का इतिहास है। इसलिए आज रघुवंशियों का ये विवाह, सीताराम जी का विवाह तो रघुवंशियों का विवाह माना जाएगा कि नहीं है? क्योंकि तहा राम रघुवंश मणि, रघुवंश मणि वहीं बैठे हुए हैं, विद्यमान रघुकुल मणि जानी विद्यमान, रघुकुल की मणि विद्यमान कहां है, जनकपुर में है कि नहीं। तो ये रघुवंशियों के लिए मैंने सुखद समाचार सुनाया है और भविष्य के लिए सुंदर संदेश दिया है। आज गौ माता ने बछड़े को दूध पिलाते हुए जनकपुर के दूतों को दर्शन दिया, बोलो दिया कि नहीं दिया। इसलिए पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो
साथ है, शुभ संकेत मिल गया। महाराज श्री दशरथ को पता चला कि जनकपुर से दूत आए हैं। महाराज जनक ने दूतों को भेजा है, तो महाराज श्री दशरथ ने दूतों को बुलाया। देखो आपके नगर में कोई आ जाए तो बिल्कुल मृदुल भाषा में बोलो, उसका सम्मान करो और उससे इतने सुंदर शब्दों से संबोधित करो, इतने सुंदर शब्दों में उसका संबोधन करो कि जितनी लंबी दूरी तय करके आपके नगर में आया है, आपका शब्द सुनकर के उसकी थकान दूर हो जाए। क्यों भाई? सुन लीजिए, शब्द भी थकान दूर करता है। मैं सत्य कहता हूं, बाप ने 8 घंटे मेहनत की और 8 घंटे की मेहनत करके जब बाप घर में आता है तो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, वो अपनी संतान के बीच में आ जाता है और संतान से अपेक्षा करता है। क्या अपेक्षा करता है? ये अपेक्षा करता है कि अब मेरे बच्चे मेरी थकान दूर कर देंगे। क्यों भाई? ये अपेक्षा करता है कि नहीं करता है? कि मेरे बच्चे मेरी थकान दूर कर देंगे। तो पहले तो थकान दूर कैसे करेंगे बच्चे? शब्द से। आइए पिताजी, जल पी लीजिए, भूखे होंगे आप भोजन कर लीजिए, लेट जाइए, हम आपके चरण दबा दें। क्यों भाई? बोलो। इस तरह के शब्द सुन करके भले ही बच्चे ने पैर नहीं दबाए लेकिन शब्द से ही कहा, पिताजी आइए जल पी लीजिए, लेटिए, मैं आपकी चरण सेवा कर दूं। बोलो, शब्द ने थकान दूर कर दी कि नहीं कर दी? शब्द ने थकान दूर कर दी। बाप प्रसन्न हो गया कि मेरी संतान इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है कि सेवा का संकल्प लिए बैठी रहती है 24 घंटे। सेवा सेवा, याद रखो, शब्द से प्रसन्न करने की कोशिश करो फिर सेवा भी देने की कोशिश करो। महाराज श्री दशरथ ने दूतों की थकान दूर कर दी शब्द से। शब्द क्या निकला? शब्द निकला है भैया कहो। क्यों भाई? भैया, एक राजा किससे बोल रहा है? दूतों से बोल रहा है। भैया कहो कुशल दुबारे, भैया कहो कुशल दुबारे, भैया कहो कुशल दुबारे, भैया कहो कुशल दुबारे। तुम नीके चलता है। तुम ठीक हो? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भैया शब्द जब दूतों ने सुना तो जनक जी के पुण्य याद आ गए दूतों को। महाराज जनक, तुम कितने भाग्यवान हो कि बेटी आज बहू बन करके इस कुल में आएगी, जिस कुल के ये संस्कार हैं कि दूतों से भैया कहा जाता है, दूतों से भैया कहा जाता है, सूचना देने वालों से भैया कहा जाता है।
बोलो शब्द संभाल के बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आज महाराज श्री दशरथ के व्यक्तित्व का परिचय शब्द से मिल गया कि नहीं मिल गया, कि कितने महान हैं, कितने महान हैं। भैया कह रहे हैं, प्यारे माता पिता गुरु संत अपने से जो बड़े हैं, सुधीय जन हैं, उनसे शिष्टाचार पूर्वक बात किया करो, उनसे श्रेष्ठ संबोधन में बोला करो। आज भैया शब्द से संबोधित कर रहे हैं महाराज दशरथ। दूतों ने कहा महाराज हां आपके दोनों बेटे कुशल से हैं, तुम मेरे दोनों बेटों को जानते हो? हाँ महाराज क्यों नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। नाम क्या है उनका? कहे एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है लक्ष्मण। कहे नहीं 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 नहीं, राम तो किसी का भी नाम हो सकता, लक्ष्मण भी किसी के बेटे हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, लेकिन राम का परिचय केवल नाम से नहीं है, राम का परिचय स्वभाव से है। किससे है बोलो भाई? स्वभाव से। इसलिए मैं कहता हूं नाम से परिचय नहीं होता है समाज में, स्वभाव से परिचय होता है। भगवान राम ने पूरे विश्व में अपना परिचय हथियार से नहीं बनाया है, राम ने अपना विश्व में परिचय सुंदर व्यवहार से बनाया है प्यारे। इसलिए सुंदर व्यवहार से परिचय बनाने की कोशिश करो। और याद रखना दशरथ जी का भी व्यवहार सुंदर ही लग रहा है कि नहीं, भैया कह रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं पहचानो तो कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुन पुन कहरा। यदि पहचानते हो तो स्वभाव बताओ, स्वभाव स्वभाव बताओ। दूतों ने कहा महाराज एक पत्र लेके आया हूं, इसको पढ़ लीजिए, इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। चिट्ठी इसमें पढ़ लीजिए, इसमें डिटेल्स है, स्वभाव वगैरह सब लक्षण, क्योंकि पत्र तो वहीं से आया है, पढ़ लीजिए। कह नहीं फिर भी तुम तो बताओ, पत्र तो हम पढ़ेंगे ही, बताओ। दूत कह रहे हैं राजन राम अतुल बल जैसे तेज निदान लखन पुनितेश। राजन राम अतुल बल जैसे तेज निदान, तेज निदान लखन पुनितेश। बड़े बेटे जो राम हैं वो अतुलित बलशाली हैं, लेकिन वीर हैं, लेकिन वीर के साथ गंभीर हैं। और जो आपके छोटे बेटे लक्ष्मण हैं वो तेज निधान, वो तेज हैं, लेकिन महाराज तेज के साथ साथ एक विशेषता और है कि वो मर्यादित भी हैं। अच्छा मर्यादित हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करना भी जानते हैं। अच्छा जबकि जनक जी के प्रति जो लक्ष्मण जी के वाक्य थे, कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी, तो दूतों ने क्या वह भाषा सुनी नहीं होगी? लेकिन दूतों ने वह भाषा सुनी, जनकपुर वासियों को संबोधित किया महाराज जनक ने, कहा लक्ष्मण की वाणी कठोर मत समझना, लक्ष्मण की वाणी में कठोरता बहिरंग दृष्टि से प्रतीत हो रही है, लेकिन लक्ष्मण की वाणी संकेत देने के लिए प्रस्फुटित हुई थी। संकेत क्या मिल रहा था लक्ष्मण की वाणी से? लक्ष्मण की वाणी से संकेत यही मिल रहा था, क्योंकि लक्ष्मण जी की भाषा सुन करके सिए हिए हरस जनक सकुचाने। क्यों भाई? लक्ष्मण जी जब बोले थे
तो सीए हीए हरस और जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी की भाषा सुनकर के सीए हीए सीता जी के मन में प्रसन्नता हुई कि नहीं, और जनक सकुचाने, जनक जी को थोड़ा संकोच ये हुआ कि मैंने कह तो दिया था कि वीर विहीन मही में जानी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, और समझ भी रहा था तो लक्ष्मण नहीं समझ पाए मेरी बात को, लेकिन लक्ष्मण की भाषा मुझे उचित प्रतीत हो रही है। क्यों? राम है सूर्य और लक्ष्मण है सूर्य की लालिमा। क्यों भाई? और सूर्य की लालिमा का अर्थ है अरुणोदय। अच्छा, अरुणोदय जब होता है तभी सूर्योदय होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? वो अरुणोदय अगर नहीं होता है तो सूर्योदय हो सकता है क्या? जल्दी बोलो। अरुणोदय पहले, सूर्योदय बाद में। इसका मतलब है कि अरुण ही सूर्य को प्रकाशित करने में सहयोग प्रदान करता है। पूर्ण प्रकाश लेकर के सूर्य अगर समाज में आता है तो उसमें अरुणिमा का सहयोग होता है। अरुणिमा का सहयोग होता है कि नहीं? तभी वह पूर्ण प्रकाश में आता है सूर्य। इसलिए लक्ष्मण की अरुणिमा ही श्री राम जी को आज जनकपुर में पूर्ण प्रकाशित कर रही है। लक्ष्मण के व्यक्तित्व पर हमें किसी प्रकार से कोई हल्की छोटी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी हैं रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी रघुवंश की पताका, राम जी की यश रूपी पताका को फहराने में दंड का काम करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? किसका काम करते हैं? दंड का। अच्छा एक बात बताओ, झंडा फहरा रहा है, तुम्हें झंडा दिखाई दे रहा है कि फहरा रहा है, लेकिन झंडा किसके बल पर फहरा रहा है? जल्दी बोलो। डंडे के बल पर है। और अगर डंडे को अलग कर दिया जाए झंडे से तो बोलो झंडा एक पेटी में बंद हो जाएगा, अटैची में बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसको अटैची में बंद करके रखना पड़ेगा क्योंकि झंडा अलग हो गया। और यदि झंडा को फहराना है तो फिर उसको निकाला जाएगा और डंडे में उस झंडे को लगाया जाएगा, और फिर डंडा जब उठेगा तब झंडा फहराएगा। तो लक्ष्मण का चरित्र है डंडा और राम जी का चरित्र है झंडा, है ना? अच्छा एक बात बताएं, लक्ष्मण के बिना राम जी अधूरे हैं, बोलो है कि नहीं? और डंडा के बिना झंडा अधूरा है। डंडा बिन झंडा न सुहाई, क्यों भाई? डंडा के बिना झंडा कभी फहरा ही नहीं सकता है। इसलिए लक्ष्मण के बिना राम जी अधूरे हैं। और एक बात बता दें, अगर झंडा नहीं है डंडे में तो डंडे का भी कोई महत्व नहीं है। अच्छा महत्व है, डंडे में झंडा लग जाता है तो बड़े बड़े लोग सिर झुका देते हैं, बोलो झुका देते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है उस झंडे से डंडे को भी सम्मान मिल जाता है। और यदि डंडा झंडे से अलग हो जाता है तो याद रखना झंडा बंद होकर के एक अटैची में या पेटी में बंद हो जाता है, या किसी आलवारी में सुरक्षित कर दिया जाता है, या सुरक्षित स्थान पर उसे सुरक्षित कर दिया जाता है, लेकिन डंडे को आलवारी में नहीं रखा जाता है, बाहर कर दिया जाता है। बोलो बाहर कर दिया जाता है डंडे को कि नहीं? इसलिए प्यारे राम जी के बिना लक्ष्मण अधूरे हैं, लक्ष्मण जी के बिना राम जी अधूरे हैं। लेकिन लक्ष्मण का चरित्र महत्वपूर्ण है। आज लक्ष्मण के व्यक्तित्व की चर्चा की गई, राम जी के व्यक्तित्व की चर्चा की गई, तो स्वभाव से महाराज दशरथ समझ गए कि हाँ मेरे बेटे हो सकते हैं। कहे महाराज चिट्ठी तो पढ़ लीजिए, चिट्ठी। अच्छा चिट्ठी खोली पढ़ी, ओहो हो चिट्ठी जब पढ़ी तो उसमें लिखा था राम लखन के करवर चिट्ठी, और रही गए कहत न खाती मीठी। चिट्ठी खट्टी मीठी लगी, क्यों भैया? चिट्ठी की परतों में खटाई मिठाई लगी थी क्या? जल्दी बोलो, चिट्ठी भी खट्टी मीठी होती है क्या? अच्छा दशरथ जी ने चिट्ठी को चाटा था क्या? खट्टी मीठी, क्यों ये खट्टी मीठी क्या है?
राम लखन के करवर चीठी और रह गए कहत न खाती मीठी खट्टी मीठी चिट्ठी। उसकी परतों में खटाई मिठाई नहीं थी, चिट्ठी का जो मजमून था, मजमून समझ रहे हो ना, उसकी भाषा, मजमून मानी भाषा, चिट्ठी की जो भाषा थी वो खट्टी मीठी थी। अर्थ समझ में आ गया ना? आप कहोगे महाराज भाषा खट्टी मीठी, हाँ व्याख्या कर रहा हूं सुनते जाओ। चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके जैसे ही अयोध्या से चले ताड़का आ गई, चिट्ठी खट्टी हो गई। ताड़का आ गई, चिट्ठी खट्टी हो गई। क्यों हो गई खट्टी कि नहीं? क्योंकि ताड़का नाम की राक्षसी आ गई, चिट्ठी कैसी हो गई? खट्टी। बोलो, चले जात मुन दीन दिखाई सुन ताड़का क्रोध कर धाई। चिट्ठी खट्टी हो गई, ताड़का नाम की राक्षसी सामने आ गई, मेरे बेटों का क्या हुआ होगा? तो आगे लिखा था एक ही बाण प्राण हर लीना ओ दीन जान तहिं निज पद दीना। चिट्ठी मीठी हो गई। बोलो चिट्ठी मीठी हो गई कि नहीं हो गई? ताड़का मर गई, राम जी ने एक ही बाण से मार दिया, ताड़का आई चिट्ठी खट्टी हो गई थी, और ताड़का मर गई चिट्ठी मीठी हो गई। हो गई मीठी कि नहीं? राम लखन के करवर चीठी और रह गए कहत न खाती मीठी। आगे फिर पढ़ा क्या, सिद्धाश्रम में विश्वामित्र जी ने जैसे यज्ञ प्रारंभ किया तो सुन मारी चिन साचर को ही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। चिट्ठी खट्टी हो गई, मारी सुबह आए, ओहो बड़े विशाल राक्षस हैं वो तो, चिट्ठी खट्टी हो गई सुन के। लेकिन फिर बाद में उसमें लिखा पढ़ा दशरथ जी ने क्या, बिन फरबान राम तही मारा ओ सत जो जन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा ओ अनुजन साचर कटक संघारा। चिट्ठी मीठी हो गई, मरीच समुद्र के उस पार चला गया, सुबाहु वहीं जल के खाक हो गया, चिट्ठी मीठी हो गई। क्यों भाई? राम लखन के करवर चीठी और रही गए कहत न खाती मीठी। भाषा खट्टी मीठी है, भाषा है ना खट्टी मीठी। अब दशरथ जी ने फिर आगे पढ़ा, क्या पढ़ा, 10,000 राजा एक साथ धनुष के ऊपर आक्रमण किए। ओहो अच्छा, तो इसका मतलब है रघुवंश को चांस नहीं मिलेगा क्या? रघुवंश के राजकुमार को चांस नहीं मिला होगा, क्योंकि 10,000 राजा एक साथ। लेकिन आगे लिखा क्या था, 10,000 राजा एक साथ गए, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही न तारा। चिट्ठी खट्टी हो गई, लेकिन तही छन राम मद धन तोरा, थारे उभुवन धुनी और कठोरा। चिट्ठी मीठी हो गई, चिट्ठी मीठी हो गई प्यारे। मेरे राम ने धनुष तोड़ दिया, 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, लेकिन मेरे राम ने तोड़ दिया। चिट्ठी मीठी हो गई, राम लखन के करवर चीठी और रही गए कहत न खाती मीठी। क्यों, चिट्ठी का मजमून पढ़ रहे हो ना, वही तो सुना रहा हूं मैं। अच्छा ये मजमून लिखा किसने था चिट्ठी में, तुलसीदास जी ने लिखा कि नहीं लिखा? है जनक जी ने लिखा, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार लिखा, तो तुलसीदास जी तो वर्णन कर रहे हैं।
ये मजमून लिख के आया, जो ड्राफ्टिंग हुई है, जो भाषा लिख के आई है पत्र की, बोलो वो कहां से लिख के आई है भाषा? जबलपुर से? तो बोलते क्यों नहीं हो ठीक से? कानपुर, जनकपुर है नहीं, थोड़ा सा बोला करो हैं। अच्छा, बोलने में तुम्हें कौन परेशानी है? अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो कि हाँ जनकपुर से आई तो कह दो हाँ महाराज, और नहीं समझ में आ रही तो ऐसे कह दो स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा। लेकिन तुम्हें बात तो कहनी पड़ेगी, सही बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, राम लखन के करवर चीठी और रही गए कहत न खाटी मीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। आगे फिर पढ़ी चिट्ठी, धनुष टूटा तही अवसर सुन सिउधन भंगा, आय उभग कुल कमल पतंगा, चिट्ठी खट्टी हो गई। परशुराम जी आ गए फरसा लेके, अरे चिट्ठी खट्टी हो गई। फिर क्या हुआ? अंत में भगवान राम के सुंदर व्यवहार ने परशुराम जी को प्रभावित कर दिया, और फिर लिखा था अंत में चिट्ठी के मजमून में कि परशुराम जी इतने प्रभावित हुए कि धनुष बाण देकर के जय जयकार करते हुए, रघुवंश की जय जयकार करते हुए वन में तपस्या करने चले गए। कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपत गए वन ही तप हेतु। चिट्ठी मीठी हो गई, चिट्ठी मीठी हो गई, वाह, रघुवंश की जय जयकार हो गई ना, रघुवंश की जय जयकार। राम लखन के करवर चीठी और रही गए कहत न खाती मीठी, रही गए कहत न खाती मीठी। बोलो चिट्ठी की व्याख्या हो गई कि नहीं हो गई? अब चिट्ठी मिल गई, चिट्ठी पढ़ ली, प्रसन्नता हो गई, अब बारात लेके जाना चाहिए। थोड़ा सा हम बारात को हाथी घोड़े से नहीं ले जाएंगे, हवाई जहाज से ले जाएंगे, हवाई सर्वे। क्योंकि हाथी घोड़े से बारात जाएगी तो टाइम लगेगा, और हवाई जहाज से जाएगी क्यों भाई बारात? हाँ, तो फिर क्या दिक्कत की बात है, अभी पहुंचती है बारात, हाँ तुरंत पहुंचेगी। अब तो जमाना बदल गया ना है, जब तुम्हारी बारात जाती है तो याद रखना कौन कौन से कीमती वाहन ले जाते हो, पजेरो, फार्चूनर, पता नहीं इनोवा, नोवा, बिनोवा नहीं, बिनोवा कोई कार नहीं है। विनोबा भावे तो हमारे यहाँ संत हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छे संत हुए हैं, बहुत अच्छे, गीता पर भाष्य किया उन्होंने, बहुत बढ़िया भाष्य किया। इनोबा, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियाँ हैं, बहुत कीमती गाड़ियाँ, प्रदर्शन, पैसे का प्रदर्शन। खबरदार, सावधान, पैसा तुम्हारे पास बहुत है, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन धर्मबानों को और संपत्ति दो, और लक्ष्मी दो। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और सदा कामतानाथ भगवान से भी तुम्हारे यशस्वी जीवन की प्रार्थना करते रहेंगे कि रघुवंशियों का और भी जितने भारतवंशी हैं, जितने श्रद्धालु भक्तजन हैं, उन सभी रघुवंशियों के सहित समस्त भारतवंशियों का कल्याण करते रहें आप, समस्त भारतवंशियों का कल्याण करते रहें, भगवान से प्रार्थना। लेकिन सावधान करूंगा, पैसा है तो पैसे का प्रभाव केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बेटे के विवाह में, उस प्रभाव का प्रदर्शन मत करो। आपका सम्मान जिसमें सुरक्षित रहे, और बेटी वाले का भी सम्मान सुरक्षित रहे, उतना आदान प्रदान व्यवस्थाओं में हो, लेकिन अनावश्यक रूप से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
संपत्ति का प्रदर्शन में यह कहना चाहता हूं। ये नहीं कहना चाहता